टेंथ स्टैंडर्ड में जब मैं थी तो मुझे पहली बार किसी पर क्रश हुआ था। एक गुड बाय ऐसा था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, अच्छे वे में याद है। दे ऑल नो दैट आई हैव एंगर इश्यूज, तो उससे थोड़ा डील करना मुश्किल हो जाता है। बट यस, थोड़ी पागलपन थी। एक बंदा बहुत ही पीछे पड़ गया था और लिटरली घर वर तक आ गया था। हाय गाइस, आई एम फेनिल उमरिगर एंड वी आर डूइंग अ सेगमेंट कॉल्ड इश्क विश्क विद टेली मसाला। इश्क का तो पता नहीं, बट स्कूल टाइम पे एक क्रश हुआ करता था 10th स्टैंडर्ड में। सो या 10th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तो मुझे पहली बार किसी पर क्रश हुआ था। 2017 बिगनिंग आई, कुछ थी बातें कि एक होता ना कि कुछ गुड बाइज हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते, तो एक गुड बाय ऐसा था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, अच्छे वे में याद है वो मुझे, क्योंकि वो चीज़ें अच्छे नोट पर ख़त्म हुई थी। ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था, तो इट एंडेड ऑन अ गुड नोट, सो आई विल रिमेम्बर दैट गुड बाय। बहुत सी चीज़ें, बट एक्चुअली मैं अपने अराउंड जितने भी मेरे लव्ड वंस हैं, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बट दे ऑल नो दैट आई हैव एंगर इश्यूज, तो उससे थोड़ा डील करना मुश्किल हो जाता है। बट यस, थोड़ी पागलपंती तो की है, जैसे छोटी छोटी चीज़ों से सरप्राइज़ कर देना या किसी का कुछ मनपसंद खाना ला देना या कुछ गिफ्ट कर देना, तो हाँ ऐसा करती रहती हूँ मैं। बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं, पर मेरे ऐसे थे फ्रेंड्स कुछ कुछ, और अभी भी ऐसा। सी अभी भी क्या है ना कि इवन इफ मैं अगर कहीं पे भी अगर अभी जाती भी हूँ, तो वट एवर द फाइनेंशियल थिंग्स, तो वो अभी भी मेरे पेरेंट्स ही देखते हैं। मतलब अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मुझे अभी लिटरली पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है पेरेंट्स से। तो किसी को भी अगर कुछ देना है तो आई आस्क मनी कि हाँ मुझे इतना पैसे की ज़रूरत है, मैं ले लूँ क्या पैसे। नहीं, आई वॉज़ वेरी ओबीडियंट। स्टडी वाइज मैं बहुत अच्छी थी, स्कॉलर थी, और स्कूल कॉलेज में कभी कोई ऐसे बंक वंक मारना ये सब भी नहीं होता था, हार्डली। बट हाँ, कभी पकड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई डोंट, मुझे याद ही नहीं। आई थिंक बहुत बचपन में शायद मम्मी ने डांट वांट दिया हो, बट मैंने कभी मार नहीं खाया। विजय देवरकोंडा, मैंने कल ही आई थिंक एक मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड है उनको मैसेज किया कि मतलब उन्होंने विजय देवरकोंडा का एक बाइट लिया था कहीं पे, तो आई इंस्टेंटली टेक्स्टेड कि ये मेरे बहुत मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर ये आसपास है तो प्लीज़ इनको बताना कि मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे इन पर क्रश है। जिसके साथ जाना चाहती हूँ उसको तो आपने ऑप्शन में रखा ही नहीं है। मुझे विजय देवरकोंडा के साथ डेट पर जाना है। इनमें से ही किसी एक को पकड़ना है क्या? क्या बोल रही हूँ मैं कि इनमें से किसी एक को पकड़ना है? सो सॉरी फॉर द लैंग्वेज। हाँ, सो इनिशियली अभी इंस्टाग्राम तो था, बट देन उसके पहले फेसबुक था। तो जब एक मेरा चैनल वी का शो आता था, तो एक बंदा बहुत ही पीछे पड़ गया था और लिटरली घर वर तक आ गया था हाथ वाथ काटने की बात। सो इट वॉज़ लाइक येस, आई हैड एन एनकाउंटर विद अ क्रेजी फैन जो हाथ काटने के उस पर आ गया था। पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, करना पड़ा था, सिचुएशन ही ऐसी हो गई। नहीं ऐसा, आप मतलब हमेशा लड़का बॉयफ्रेंड आप इसी पे क्यों फोकस कर रहे हो यार? मतलब ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ अगर मेरी लाइफ में होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन अच्छा ये सेगमेंट ही इश्क वाला है तो इसलिए वो नहीं। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कोई वैसे ना किसी नॉर्मल दोस्त, किसी के लिए मैंने कभी अपना नंबर चेंज नहीं किया। ऐसा है, बट मोस्टली अगर आप मेरी ब्लॉक लिस्ट देखोगे तो मेरी ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत से लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, माई फोन एंड ऑल्सो माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, दे ऑल फुल आर ऑफ माई ब्लॉक लिस्ट एंड लॉट ऑफ पीपल आई हैव ब्लॉक्ड। बट येस, स्टॉकिंग की अगर बात करें तो आई थिंक ऐसा डेली बेसिस पे तो नहीं, पर आई थिंक साल में एक बार कभी अगर ऐसा हुआ तो हाँ स्टॉक किया। मम्मी के फोन, तीन क्वालिटीज जो लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए, आई थिंक सबसे पहले रिस्पेक्ट आता है टूवर्ड्स ईच अदर, उसके बाद आता है प्यार, केयर। आई थिंक रिस्पेक्ट, लव एंड केयर, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ईगो एंड ईगो ओनली आई फील, ईगो एंड एंगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईगो और एंगर से जो चीज़ें अगर सॉल्व होने की भी उस पर होती है तो वो और ख़राब हो जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे है एंगर इश्यूज़। तो सेगमेंट तो अच्छा लगा, बट दिस सेगमेंट वॉज नेसेसरीली नॉट
based on a boyfriend or a lover or anything. It was usually we are talking about love. So love could be for anyone, be it a friend or a partner or parents or anyone. So yeah, maza aaya mujhe segment karke.